ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, पावर एंड पॉलिटिक्स। अब ये शब्द जुड़े हुए हैं आपस में, तीनों के तीनों इन शब्दों का आपस में एक इंटरलिंकिंग है, ग्लोबलाइजेशन का, पावर का और पॉलिटिक्स का। हमने इतने सारे थिंकर्स को पढ़ा, हमने देखा बातें सब सेम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि किसके उससे कौन सी बात निकल कर आ रही है। बस हमने इतना इस चीज पर फोकस किया। तो केविन बोनेट का क्या कहना था कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी एडवांस कंट्री में अगर कोई पावर है या उसका स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ उनको सोसाइटी से समझ सकते हो, ऐसा नहीं। उनका कहना था कि नेशन स्टेट जो है वो रिसेंट क्रिएशन है, ओके, और जैसे इटली और जर्मनी है वो 19th सेंचुरी तक यूनिफाइड नहीं हुए एक तरीके से, वो यूनिफिकेशन का उनका प्रोसेस चला। और बहुत सारी कॉलोनीज हैं, बहुत सारे देश हैं जो बहुत समय तक कॉलोनी भी बने थे, जैसे यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया ब्रेक ब्रेक हुआ, चेकोस्लोवाक और स्लोवाक का भी ब्रेक डाउन हुआ। तो उनका ये कहना था कि चीजें जो है वो सिर्फ सोसाइटी में हमारे अंदर नहीं है, बाहर वाली चीजें भी, बहुत सारी पॉलिटिकल जो बातें हैं वो ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करती हैं, वो हमें फर्क डालती है। मल्टीनेशनल कॉपरेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, अगर श्रीलंका की क्राइसिस आप सोचिए, उसमें IMF से बात हो रही है। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम था तो क्राइसिस सिर्फ श्रीलंका की है, श्रीलंका में ही सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ श्रीलंका में तो सॉल्व नहीं हो रही ना, इससे हमें भी फर्क पड़ रहा है हल्का सा। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है या यदि वहां पर कोई परिवर्तन होता है तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट अस। दिस इज व्हाट ही वॉन्ट्स टू से, दैट देयर आर इंटरनेशनल फोर्सेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर्स, ओके, एंड ग्लोबलाइज्ड फोर्सेज which are very important. That is what he is saying. So we can write we can write by saying that Kevin Bonnet jo naam humne likha tha, we kehte hain, Kevin Bonnet says that there is a great relationship between globalization and nationalism. ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और नेशनलिज्म में बहुत संबंध है, ऐसा वो कहते हैं। देयर इज ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म एंड एंड ट्रांसनेशनल एंड ग्लोबल रिलेशनशिप्स कैन स्ट्रेंथन एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, कैन स्ट्रेंथन एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स who are seeking independence from large states, who are seeking independence from large states, है ना? Because they may also get support. They may also get support from transnational organizations or systems. They may also get support from transnational organizations and systems. Transnational organizations or systems of security. thereby helping them in asserting their independence, thereby helping them in asserting their independence and claiming nationalhood and claiming nationalhood
एग्जाम्पल है कोई आपके पास इसका जो मैं बोल रहा हूँ? बोलो। एग्जाम्पल बोलिए। म्यांमार रिफ्यूजीज। ओके, और कोई एग्जाम्पल? एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अभी खुद ही है, वही तो बात है ना, आप लोग सोचते नहीं है। वैसे यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, नेटो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, जो उसकी इंडिपेंडेंस है उसको असर्ट करने में, जो उसकी इंडिपेंडेंस है उसको समझने में, नेटो और यूरोपियन यूनियन के अलावा, मतलब उनके उसके बावजूद भी उसको सपोर्ट कर रहा है वो। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज एन एग्जांपल ओवर हियर। बात समझे या नहीं समझे? हाँ, यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल है ये पूरा, नेटो जो कर रहा है, जो अभी हम बात कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल है। म्यांमार रिफ्यूजीज को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है कि भाई हाँ आ जा चल ले ले। अब तो अभी एक दो दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दौरा किया था, कीव का दौरा किया था, तो रशिया ने बोला भैया मुझे जो है उससे कोई संबंध नहीं रखना, मुझे जो है ब्रिटेन से कोई संबंध नहीं रखना है। आप समझे मेरी बात को? नहीं समझे? हाँ कोमल जी, तो यस एग्जाम्पल खुद क्यों नहीं आते? ये फटाफट से एग्जाम्पल आना चाहिए, सही एग्जाम्पल। ओके, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया जो हमने बोला। इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनलिज्म, इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनलिज्म थ्रेटन्स टू रिड्यूस द पावर ऑफ स्टेट। Threatens to reduce the power of states to exercise power independently. To exercise, Said to threaten to reduce the power of states to exercise power independently. है ना? एंड या वाइल बोल सकते हो, वाइल स्मॉल स्केल नेशनलिज्म एंड लोकलिज्म, स्मॉल स्केल नेशनलिज्म और लोकलिज्म थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो हम एक भी बात कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनलिज्म जो होता है वो किसी भी राज्य की जो ताकत है अपने आप को इंडिपेंडेंटली असर्ट करने को कम कर देता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से, जैसे तिब्बत का है, तिब्बत का इशू ले लीजिए, ताइवान तो अलग कंट्री हो गया खैर, लेकिन हाँ ताइवान का भी आ जाएगा, इंटरनेशनल फोर्सेस हैं। अब क्यों चाहता है चाइना कि जो भी ताइवान को रिकग्निशन देगा हम उससे
वो ही नहीं रखेंगे हम उससे, मतलब वहां पे हमारी एम्बेसी नहीं होगी, हमको सपोर्ट ही नहीं रखेंगे। आपको सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो ये बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मल्टी नेशन प्रेजेंस, ये सारी चीजें होती, अदरवाइज ये वैसे ना होता। ठीक है जी, बात समझ में आई मेरी? तीन पैराग्राफ, फर्स्ट एंड थॉमसन, फर्स्ट एंड थॉमसन, दे अडेप्ट ए मोर बैलेंस पोजिशन, दे एक्सेप्ट ए मोर बैलेंस पोजिशन बिकॉज दे एक्सेप्ट दैट द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन, फैसिलिटेटेड बाई एलपीजी, क्या एलपीजी, कौन बोलेगा? एलपीजी, बोलिए। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल, एलपीजी, यस। Have made situation complicated. Have made situation complicated for a state, because it has led to reduction in capacity. To act autonomously on their societies, to act autonomously on their society. तो कहने का अर्थ है, यदि राज्य है कोई, और ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जैसे जो भी हो रहा है, जैसे आप श्रीलंका का एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ, या कोई और राज्य ले लीजिए, या अभी रशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, कि रशिया में जब वेस्टर्न फोर्सेस ने, वेस्टर्न पावर्स ने अपना खत्म कर दिया, अपना रोक दिया, तो उससे पूरा आर्थिक तंत्र जो है वो प्रभावित हुआ। तो ये जो कनेक्टेड है, सोसाइटी को ऑटोनोमसली फंक्शन करने में रोल है ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, और उसका कहाँ पर जूम, कहाँ पर पिज्जा हट खुलेगा, कहाँ पर मैकडोनल्ड मिलेगा, किससे आप रिलेट कर पाते हो, यू नो, इट इज अ बाइंडिंग फैक्टर। ये बात कहना चाह रहे हैं हर्सन थॉम्पसन, कि इससे कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, चेंज कर गए। अनलाइक हर्स्ट एंड थॉम्पसन, अनलाइक हर्स्ट एंड थॉम्पसन, एंथोनी गिडेंस, एंथोनी गिडेंस सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन, एंथनी गिडन जो है वो ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी को सपोर्ट करते ओके. ही इज नॉट इन फेवर ऑफ द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ the above mentioned theory. He defines globalization. He defines globalization as the intensification of worldwide social relationships. Worldwide social relationships, which link distinct localities, in such a way. Intensification of worldwide social relationship, which link distinct social realities in such a way that local happenings are shaped by events taking far away. And vice versa. तो कहना चाहते हैं कि भाई सोशल रिलेशनशिप है पूरे वर्ल्ड का, वो जो है वो उसके अंदर एक आपस में जुड़ाव है और लोकल हैपनिंग्स जो है वो बहुत दूर के इवेंट से भी शेप होती है. जैसे आप रशिया में जो हो रहा है उससे इंडिया में भी फर्क है, इन्फ्लेशन हम बाकी बात करते हैं, फर्क आया ओके. एंड such happenings are outside the control of any state. This process is called as time-space distanciation. कहाँ हो रहा है, कितना दूरी पर है, क्या है, इससे ही फर्क हो. In which interaction is stretched. Interaction is stretched across space so that people no longer
हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट, नो लॉन्गर हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, to interact with one another. अभी आप एग्जांपल दो इसका, कैसे पॉसिबल है ये कि लोग प्रेजेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी आपस में वो जुड़े रह सकते हैं. टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन का एग्जांपल दीजिए आंचल जी, तो एग्जांपल दीजिए टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन का जिसमें हम जुड़े भी हुए हैं और साथ में भी नहीं है. सरस्वती जी, आंचल जी, इतना देर लग गया सोचने में आपको? हाँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो. फैमिली ऑनलाइन क्लास, फैमिली तो आपके साथ ही रहती है. ऑनलाइन क्लास इज डेफिनेटली इज एन एग्जांपल. थैंक यू बेजवाला जी फॉर योर क्विक क्विक आंसर. डेफिनेटली इंटरनेट हो गया, इंटरनेट बहुत बड़ा माध्यम है. अभी हम जो है हम टाइम और स्पेस में जुड़े हुए हैं. टाइम एक टाइम और स्पेस का मतलब आप चाहो तो अब ऑस्ट्रेलिया से जुड़ लो, अमेरिका से जुड़ लो, जुड़ने वाला तो टेक्नोलॉजी हुई ना. टेक्नोलॉजी इज सच ए अमेजिंग थिंग. तो इससे क्या हुआ, नेशनल बाउंड्रीज जो होती हैं दे बिकम लेस सिग्निफिकेंट. आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड के एग्जांपल लिख सकते हो. एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस प्रोसेस इज कॉम्पिटिशन एंड द ग्लोबल इकोनॉमी. कॉम्पिटिशन एंड द ग्लोबल इकोनॉमी. सर आप बोल रहे हो ना तो आपके साइड से कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. क्या हो रहा है, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे आप बोल रहे हो ना सर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. ये तो आपकी भी वाइब्रेट कर रही है मेरे पास. जैसा अब आपने बोला तो अब भी वाइब्रेट कर रही है. हाँ कोमल जी, आपकी आवाज भी मुझे वाइब्रेशन होके आ रही है. बाकियों को भी क्या वाइब्रेशन हो रहा है? आंचल जी, तो इसका मतलब देयर इज सम इशू देयर. यस सर. आपको भी वाइब्रेट होके आ रही है? सर वाइब्रेट नहीं हो रही, पीछे से बैकग्राउंड में अजीब सी एक आवाज आ रही है, उससे मतलब साउंड क्लियर नहीं हो रही. यहाँ तो यार कोई आवाज नहीं मेरे आसपास तो बिल्कुल भी, इट्स कंप्लीट साइलेंस. सर आप बोलते हो तब आती है. अभी आ रही है मेरे बोलते ही? हाँ सर, अब जैसे आप कुछ नहीं बोल रहे तो अब कुछ नहीं हो रहा सर. आप बोल रहे तो वाइब्रेट हो रहा. एक सेकंड. अब आई, देखिए अब क्लियर हुआ कोमल? यस सर. अभी भी वाइब्रेट कर रही है? सर एक बार बोलना.
हेलो 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 यस सर माइक सर आपके माइक माइक यस सर आपके माइक एक मिनट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हेलो 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 आई थिंक दिस इज बेटर। यस सर मैंने हटा दिया ये माइक की वजह से था, कई बार पीछे से होता है। आई एम यूजिंग नॉर्मल क्वालिटी साउंड, इज इट फाइन नाउ? यस सर ओके थैंक यू। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी होती है वो राज्य की बाउंड्री को तोड़ देती है, राज्य उसमें कुछ अधिकार कर नहीं पाता, ऐसा कहना है। ऐसा मतलब आप कह लीजिए कि गिडेंस ने कहा ऐसा कि जो स्टेट की जीडीपी होती है उस पर ही फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें होती हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, दे ऑल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। ये बात उन्होंने कहना चाहा। तो क्वेश्चन हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द क्वेश्चन अराइजेस दैट बिकॉज ऑफ सच इकोनॉमिक इंपैक्ट Because of such economic impacts, what have been the position of nation states? What have been the position of nation states? ठीक है जी, क्वेश्चन है कि नेशन स्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। गिडन सेज दैट देयर इज ऑल्टरेशन इन द शेप ऑफ नेशन स्टेट्स। उनका जो व्यक्तित्व है उसमें परिवर्तन आ जाता है। देयर इज ऑल्टरेशन इन द शेप ऑफ नेशन स्टेट्स एंड सम ऑफ देयर पावर्स इनफैक्ट इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल डेटा प्रोटेक्शन लॉज अभी आ रहा है, हिंदुस्तान में भी आ गया डेटा प्रोटेक्शन लॉ का एग्जांपल अगर हम देखें तो। फॉर एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन लॉज
ओके, तो ये एग्जांपल हमारे पास ही है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन का एग्जांपल लगा लीजिए आप, या और कोई एग्जांपल दीजिए मुझे जिसमें आप नेशन स्टेट और ग्लोबल फोर्सेस के इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन को आप कंट्रोल करने की बात करते हो, ऐसा दीजिए कुछ दीजिए। हाँ एग्जाम्पल दीजिए ना। हेलो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्टॉक मार्केट, हाँ स्टॉक मार्केट है, बिल्कुल एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट भी, वंडरफुल गुड एग्जाम्पल। तो बैलेंस्ड व्यू है, गिडेंस साहब का व्यू क्या है, बैलेंस्ड है। एग्जाम्पल्स हम अपने दे ही सकते हैं, उनका व्यू बैलेंस्ड है, नेशन स्टेट की पोजीशन रहती है लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में नेशन स्टेट का बड़ा फर्क आ जाता है, चीजें बदल रही हैं। एक और कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं, देयर इज, अगले पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं देयर इज, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी ऑल्सो, ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी ऑल्सो। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन कैन वीकन ओल्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स without necessarily leading to the establishment of new systems of regulation, without necessarily leading to the establishment of new systems of regulation। पुराने को तोड़ देगा, नया लेके नहीं आ पाएगा। Therefore, a new democratic system is required. A new democratic system is required. For example, the changes after the Second World War. Change the paragraph. Michael Mann, एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम है Michael Mann. Michael Mann. Takes important elements from the above, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, from the above discussed theories of power. For example, he agrees with Skocpol, that the state can be an independent source of power. State can be an independent source of power of all types.
ऑफ ऑल टाइप्स का मतलब आइडियोलॉजिकल कल्चरल ओके He also agrees with the theories of globalization. But He gives the concept of non-existence of society. He gives the concept of non-existence of society. You get that society exists nahi karti actually. Non-existence of society. Because he believes that societies are constituted of multiple overlapping and intersecting socio-spatial networks of power. Multiple भी है, overlapping भी है, intersecting भी है, socio-spatial networks of power. यानी बहुत सारी चीजें उनके साथ हो रही है, एक साथ नहीं है वो, एक चीज नहीं. It takes different forms. अलग अलग form आ जाती है उसकी. जैसे एक अगर हम कहें distributional power. That is power over others. Power over others. It is the ability of individuals to get others to help them to pursue their own goals. Ability of individuals to get others to help them to pursue their own goals. इसे कहते हैं distributional power. It is held by individuals. सेकेंड इज एक और टाइप क्या है, नीचे टू लिख सकते हो आप, ये वन हो गया कलेक्टिव पावर विच इज एक्सरसाइज बाय कलेक्टिव ग्रुप्स. Collective groups, मतलब collective power is exercised by collective groups. For example, colony of a nation, हम कह सकते हैं. कॉलोनीज जैसे किसी बड़े राष्ट्र की कॉलोनीज मान लीजिए. दूसरा फिर एग्जांपल ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन
टू मेन वेज इन विच दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज। फिर उन्होंने तरीके बताए कि इससे जिससे पावर यूज हो सकती है। हमने ऊपर बोला एक डिस्ट्रीब्यूशनल पावर होती है, एक कलेक्टिव पावर होती है। डिस्ट्रीब्यूशनल इज विद इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव इज विद द सोशल ग्रुप्स। एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप को कोएर्स भी कर सकता है, उसको दबा भी सकता है, उसको मिसयूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। पावर अब किस तरीके से पावर प्रयोग होंगी? वन, एक्सटेंसिव पावर। एक्सटेंसिव पावर एक होती है, एक्सटेंसिव पावर का मतलब एक्सटेंसिव पावर रिफ्लेक्टेड बाय अ रिलीजियस लीडर और ए कैरिस्मेटिक लीडर, जैसे होता है। इट इज रिफ्लेक्टेड बाय रिलीजियस लीडर और ए कैरिस्मेटिक लीडर, जैसे जग्गी वसुदेव, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, दैट इज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ability to organize large number of people over far flung territories. पूरे दूर तक फैले होंगे। In order to engage in a minimally stable cooperation, in order to engage in a minimally stable cooperation. एक cooperation होगा, एक stable cooperation होगा, एक minimum level का, that is there. इंटेंसिव पावर, इंटेंसिव पावर एक तो एक्सटेंसिव होगी, इंटेंसिव क्या, इंटेंसिव पावर फॉर एग्जाम्पल बाय चर्च, चर्च तो खैर वैसा हो गया एग्जाम्पल, रिलीजन का एग्जाम्पल भी हम यहाँ रिलीजन भी बोल सकते हैं, उसकी इंटेंसिव पावर होती है। टाइटली आप कंट्रोल करते हो, द एबिलिटी टू हैव वेरी ability to have very tightly organized, tightly ability to organize tightly and command a high level of mobilization, Hindu dharm sansad jaise hum bolte hain, intensive power hai, ability to organize tightly and command a high level of mobilization, high level of mobilization hoga inke andar, theek hai ji। अगला पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं ही मान, एम ए डबल एन मैन, मैन ऑल्सो डिवाइड्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अथॉरिटेटिव पावर, अथॉरिटेटिव पावर, अथॉरिटेटिव पावर रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्शियस एंड डेलिबरेट कमांड्स, कॉन्शियस है, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट कमांड्स अथॉरिटेटिव पावर, पता है क्या फॉलो कर रहे हैं, पता है कौन हमें ऑर्डर दे रहा है, आधार कार्ड बनाना है, कोरोना वैक्सीन लगानी है, कोरोना वैक्सीन की डेट आएगी, मास्क पहनना है, अथॉरिटेटिव पावर, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट कमांड्स। दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा, डिफ्यूज्ड पावर, डिफ्यूज्ड पावर मोर स्पॉन्टेनियस, डिफ्यूज्ड पावर क्या है, मोर स्पॉन्टेनियस, इट इन्वॉल्व्स पावर रिलेशनशिप्स, इट इन्वॉल्व्स पावर रिलेशनशिप्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप देख लो, रिलायंस ने उसको ले लिया बिग बाजार को, दैट इज डिफ्यूज पावर। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैन की थ्योरी ने दिए हैं, और उन्होंने बहुत सारे आइडिया देने की ऐसे कोशिश की, उन्होंने बताया ये चीज कैसे होती है। He wants to, you know, showcase की पावर जो है वो किस तरीके से किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसका पूरा हुआ आइडिया है, ये चीज वो कह रहा है। ओके जी, am I audible to all of you please? पहले से वॉइस क्लियर है कोमल जी? अब तो माइक का इश्यू नहीं आ रहा, अब तो कोई इशू नहीं है? अच्छा, होता है कई बार, मुझे, मैंने खुद क्रॉस चेक किया तो हो रहा था वो। तो यहां तक हमने इसको फिनिश कर दिया है, बस
हमारा थोड़ा सा कोई पोर्शन हल्का सा बचा है, कल हम इसको फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकता है। हाँ ब्रिजबाला जी, आंचल जी, कोमल जी, सरस्वती जी, कोई भी डाउट्स हैं, कोई बात है तो पूछिए। और जिस तरीके से आपने अभी तक काम किया उसको और ऊपर उठाइए और बढ़ाइए, हम उसको और आगे लेके चलते हैं। हम मेहनत और करेंगे ताकि हमारी क्लैरिटी और लेवल को पूरा ला सकें हम। ओके okay?